डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10.1 है। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। तो इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुका हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। इसके आगे और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ 11 में दिया हुआ है, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग मतलब तार हो गया, तार जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। अगर इस स्ट्रिंग को नीचे दिए हुए ये जो नाम लिखा हुआ है इस तरह का हम शेप में बनाते हैं, तो फिर उसका प्रत्येक साइड जो है उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे तीन चीज़ दिया हुआ है, ए में एक स्क्वायर बनाना है, उसके बाद एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, फिर एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो इसको जब हम उसको बनाते हैं 30 सेंटीमीटर लंबे तार को, जब हम ये शेप बनाते हैं तो उसका साइड क्या होता है। तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट मैंने लिया हुआ है और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब हो गया तार, तो उसकी लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अब जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल लंबाई ये हो गया स्ट्रिंग का, तो स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो उससे हमें साइड पता चल जाएगा। पेरीमीटर समझ लीजिए कि ये जो लेंथ स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ वही पेरीमीटर है। तो यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। एक साइड जो है, कोई भी साइड ले लेते हैं क्योंकि इसका सारा साइड इक्वल होता है। अब यहाँ पे 4, तो पेरीमीटर हम मेरे पास है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो स्ट्रिंग जो दिया हुआ है वही है। इसका मतलब है कि हम लिखते हैं 30 इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हो गया। अब हमको निकालना है साइड, ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको टोटल उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू साइड इक्वल टू 30। अब हमें साइड निकालना है, तो 4 को हम उधर ले जाते हैं, साइड इक्वल टू, तो 30 यहाँ पे है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार में ये कट रहा है, यहाँ पे आपको कट जाएगा 4 7 28 होता है, तो 2 बच गया, तो वो 4 भाग में बट जाएगा, तो 0.5 मतलब 7.5 हो जाएगा। इस सब डिवाइड देकर देख सकते हैं, तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट में जो है इसका एक साइड जो है स्क्वायर का इतना उसका लेंथ हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है 11 का बी पार्ट, और इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो उसका एक साइड कितना लंबा होगा। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड उसका इक्वल होता है। अब समझ लीजिए कि तीनों साइड इसका इक्वल होता है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये और ये तीनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे तो पहले हम स्ट्रिंग का लेंथ हमें पता है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम सिंबल दे सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर जो लेंथ तो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल
ई हो जाएगा लेटरल ट्रायंगल। इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पैरामीटर 3 इंटू साइड, एक साइड क्योंकि इसका सभी साइड इक्वल रहता है 3 इंटू साइड। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका पैरामीटर तो हमें दिया हुआ है 30 इक्वल टू 3 इंटू साइड। तो हमें निकालना क्या है, साइड। तो हम साइड को उठाकर इधर ले आते हैं, टोटल उठाकर इधर और टोटल इसको इधर, उससे क्या होगा साइन इधर उधर नहीं होगा, जो जैसे है वैसे रहेगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा इक्वल टू 30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम साइड सिर्फ रखते हैं क्योंकि हमें साइड निकालना है, 30 दिया हुआ है और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो ये 10 बार में कट गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, एक साइड वो हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं सी नंबर का, 11 नंबर का सी पार्ट है और इसमें कह रहा है ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब होता है उसका सभी साइड जो है वो इक्वल रहेगा, हेक्सागोन का मतलब है सिक्स साइडेड और उसका सभी साइड इक्वल। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ हमें पता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, क्योंकि लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर शॉर्ट में हम REG रेगुलर शॉर्ट में हो गया और हेक्सागोन ये हो गया पेरीमीटर। तो लेंथ जो स्ट्रिंग का है वही पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन तो ये हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि इसमें 6 साइड रहता है और एक साइड कोई भी, क्योंकि सभी साइड इक्वल होता है, 6 इंटू साइड ये हो जाएगा। तो पेरीमीटर हेक्सागोन का पेरीमीटर तो हमारे पास है ही, वही हो जाएगा 30 और ये इक्वल टू हो गया 6 इंटू साइड। तो इसको हम उठा के इधर करते हैं, इसको इधर कर देते हैं क्योंकि हमें साइड निकालना है, हम साइड इधर रख लेते हैं, ये हो गया साइड और 30 जो है हम इधर रख देते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया और ये 6 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 ये कट गया कितना बार में, 5 बार में, तो 5 जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगा और एक साइड का जो है लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11।